नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसे लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी के नोटिस से यह साफ है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य आपको खत्म करना है। आखिर ऐसा क्यों कहा, चलिए दिखाते हैं आपको। बीजेपी की शराब घोटाले के आरोप सही साबित हुए। केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य आपको खत्म करना। पूछताछ में बिगड़ा मामला तो जेल जाना तय। सत्येंद्र, संजय, मनीष के बाद केजरीवाल पर आफत। ईडी की पूछताछ में केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो क्या होगा। केजरीवाल को मिला समन तो बीजेपी ने क्या कहा। शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बीजेपी ने केजरीवाल को समन भेजे जाने का स्वागत करते हुए कहा कि यह सच्चाई की जीत है। बीजेपी ने केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। इसे लेकर आप नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस से यह साफ है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एकमात्र उद्देश्य आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए वे केजरीवाल को फर्जी मामले में फंसाने, जेल भेजने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केजरीवाल को मिले समन पर बीजेपी हमलावर है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि 2 नवंबर को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को बुलाया है। शराब घोटाले के असली सूत्रधार अरविंद केजरीवाल का नंबर भी अब जल्द आने वाला है। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, याद रखना केजरीवाल। वीरेंद्र सचदेवा ने 2 नवंबर को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को बुलाया है। शराब घोटाले के असली सूत्रधार अरविंद केजरीवाल का नंबर भी अब जल्द आने वाला है। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, याद रखना केजरीवाल। आइए सुनाते हैं आपको वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, अब उनकी काली परतें खुलने लगी। जांच एजेंसी ने उन्हें समन करके बुलाया। शराब नीति घोटाले में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसके निमित्त आज माननीय न्यायालय ने भी मनीष सिसोदिया की बेल खारिज कर दी। और जो टिप्पणी वहां से आई है कि 338 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, वो बहुत गंभीर विषय है। अब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को बताना पड़ेगा कि शराब नीति में बदलाव क्यों किए गए, 5% से 12% कमीशन क्यों की गई, 7% का किकबैक किसे मिला और जो इतने करोड़ों का घोटाला है वो पैसे कहां खर्च हुए। अरविंद केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत समन जारी किया गया और सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी। आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने अपने कैबिनेट सहयोगी भारद्वाज के समान विचार व्यक्त किए और कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। आतिशी ने आरोप लगाया, बीजेपी दिल्ली और पंजाब जहां जहां आपकी सत्ता है, जहां जहां काम किए जा रहे हैं, उससे डरी हुई है। वे मुफ्त बिजली, अच्छे स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक से डरते हैं। वे आप नेताओं को झूठ मामलों में फंसाकर जेल में डालना चाहते हैं। वे आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। इसी साजिश के तहत ईडी ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को तलब किया। वे उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते हैं और लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को समन और उसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से बीजेपी का यह रुख सही साबित हुआ कि आबकारी नीति में घोटाला हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज किए जाने से बीजेपी के शराब घोटाले के आरोप सही साबित हुए हैं और अब केजरीवाल को ईडी का समन इस भ्रष्टाचार की गाथा को अंजाम तक पहुंचाने का अंतिम कदम है, क्योंकि वह खुद जेल जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अलग अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में सिसोदिया की 2 अलग अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं और कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण की अस्थायी तौर पर पुष्टि हुई है। पूछताछ में गड़बड़ी मिलने पर अगर ईडी ने कोई बड़ा एक्शन लिया तो आपके लिए नेतृत्व का संकट खड़ा हो जाएगा।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए N27 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।